डॉक्टर साहब, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हम इस बीमारी का प्रॉपर ढंग से इलाज करेंगे। कृपया करके हमको इस बीमारी से आप बाहर निकालिए। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, HSV-1 और HSV-2, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की अगर आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सहेज जोशी। मैं पिछले 5 वर्षों से हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया और बाहर की कंट्रीज के देख रहा हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ अनुभव आपसे शेयर करूंगा, कैसे मुझे अनुभव मिले इन पेशेंट्स को ठीक करने में। साथ ही साथ में हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के मरीजों की कुछ सोच होती है, कुछ वो लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं कि जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। ऐसे कुछ डाउट्स उनके मन में होते हैं, जैसे क्या इस वायरस को नेगेटिव किया जा सकता है या नहीं, इस वायरस का के कारण हमको HIV एड्स पॉजिटिव तो नहीं हो जाएगा, इस वायरस के कारण हम क्या शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस वायरस को ठीक करने में कितना समय लगेगा, क्या इसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहेगा। ऐसे बहुत से जुड़े हुए सवाल जो आपके मन में आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। अगर आप लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, तो मेरे इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे तो जो आपके मन में बार बार आपके जो सवाल घूम रहे होते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, उन सभी सवालों का इस वीडियो में सलूशन देने जा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, मेरी वीडियोस को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, देखिए ये जो दिक्कत परेशानी होती है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो है ये। किसी भी तरीके से आप कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह करते हैं या किसी भी कारणवश आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं तो ये दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। महिलाओं में संभवतः कुछ हद तक कुछ महिलाओं में इसके सिम्टम्स आते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि महिलाओं को इसके कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। अगर कोई भी पुरुष उन महिलाओं से संबंध बनाता है तो उनको ये दिक्कत परेशानी बहुत ईजिली, लगभग 2 से 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में उनको ये दिक्कत परेशानी होने लग जाती है। ये एक ऐसी दिक्कत परेशानी है, इसमें आपके कमर से ऊपर को ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, स्पेशली आपके लिप्स में ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स में ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, और कुछ कुछ मेंस में मैंने ये भी देख रखा है कि उनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव होने के बाद भी उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। हालांकि ऐसा मेजोरिटी ऑफ केसेस में महिलाओं के साथ होता है, महिलाएं पॉजिटिव होती हैं, लेकिन उनको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, कोई भी उनको ब्लिस्टर्स वगैरह की दिक्कत परेशानी नहीं आती है। लेकिन एक महिलाओं को अगर ये दिक्कत परेशानी होती है तो उनको थोड़ी पेशाब करने में तकलीफ का सामना ज़रूर करना पड़ता है। अगर ऐसी आपको दिक्कत परेशानी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपने विभिन्न तरीके का इलाज करके देख लिया, विभिन्न तरीके के एंटीवायरल गोलियां खा के देख ली, बहुत ज़्यादा इस बीमारी के कारण जब से आपको पता लगा है, आपने इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद आपने डिफरेंट सर्च इंजन्स में, बुक्स में आपको ये पाया गया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये लाइलाज बीमारी है, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये दिक्कत परेशानी है तो होम्योपैथी से अगर आप इसका इलाज करेंगे, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे, तो ये आपकी दिक्कत परेशानी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको 3 महीने में 90 दिन के टाइम पीरियड में आपको इसमें अगर आप इलाज लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर आपके मन में कुछ ऐसे जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं कि इस बीमारी के कारण HIV एड्स तो नहीं हो जाता, तो मैं आप सभी लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ, एक गाइडेंस अपनी देना चाहता हूँ कि मैंने इसके ऐसे मरीज देख रखे हैं जिनको HSV-1, HSV-2 पॉजिटिव है, उनने इसका प्रॉपर ढंग से इलाज नहीं कराया, 10-15 सालों तक का वो ऐसी विभिन्न प्रकार की गोलियां खाते रहे, एक प्रॉपर गाइडेंस उनको डॉक्टर के द्वारा नहीं दी गई, तो इसके कारण से कोई भी बीमारी, चाहे यही क्यों ना हो, कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में है, अगर आप उसका प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लेते तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि बीमारी प्रोग्रेस होने लग जाती है, और ये बीमारी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के कारण अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं तो ये HIV पॉजिटिव भी हो सकती है, HIV पॉजिटिव ये रिपोर्ट्स आपकी कर सकती है। अगर आपको ऐसी दिक्कत परेशानी है तो आप बिल्कुल निसंकोच, जैसे ही आपको पता लगता है, आप किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा अगर आपको ऐसी दिक्कत परेशानी है। होम्योपैथ डॉक्टर जो ऐसे केसेस देखते हों, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के केसेस को देखते हों, ऐसे डॉक्टर से आपको जाकर मिलकर परामर्श लेना है और उनसे ट्रीटमेंट लेना है, और कम से कम 45 से 90 दिन का इलाज ज़रूर लेना है। जल्दीबाजी इलाज के टाइम पे नहीं करनी है, 45 से 90 दिन का इलाज आपको लेना है। अगर आप इलाज किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से लेंगे तो आपके जितने भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं,
जितने भी लक्षण आपको आ रहे होते हैं इनको 45 से 90 दिन के टाइम पीरियड में ठीक किया जा सकता है। एब्सोल्युटली कम से कम मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 9 महीने, अधिक से अधिक 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक का भी इसका इलाज आपको कराना पड़ सकता है। दूसरा एक सवाल जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें जब पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशन जब पॉजिटिव आ जाते हैं तो वो इस बीमारी को गूगल सर्च या डिफरेंट सर्च इंजन्स में सर्च करते हैं और उनको ये पता लगता है कि एक बार ये बीमारी होने के बाद ये बीमारी जिंदगी भर साथ चलती है। क्योंकि अगर कोई भी सर्च इंजन में अगर आप सर्च करेंगे हर्पीस का परमानेंट क्योर, तो आपको कुछ ऐसे सजेशंस देखने को मिलेंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। जनरली एलोपैथिक सिस्टम में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर इसका इलाज करेंगे तो एब्सोल्युटली इस दिक्कत परेशानी को सॉल्व किया जा सकता है। कुछ लोगों के मन में ये भी शंका होती है कि हमको एक बार अगर हमारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई तो क्या हम इसके बाद आगे चलकर शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप अगर किसी होम्योपैथ डॉक्टर की गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, आप 90 दिनों तक का ट्रीटमेंट लीजिए, 90 दिनों के ट्रीटमेंट में आपको सेटिस्फैक्शन मिलने लग जाएगा, आपको आराम आने लग जाएगा, तो उसके बाद आप इससे इस प्रॉब्लम के कारण आप आराम से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर की गाइडेंस में रहना आपको बहुत बेहद ही ज़रूरी है। डॉक्टर जो आपको मैनेजमेंट बताते हैं, जो दवाइयाँ बताते हैं, जो गाइडेंस अपनी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आपकी ये दिक्कत परेशानी एब्सोल्युटली ठीक की जा सकती है। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आते हैं कि क्या इस वायरस को नेगेटिव किया जा सकता है? जी, इस वायरस को होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूस डॉक्टर की गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट करेंगे, कम से कम 3 महीना, अधिक से अधिक आप 9 महीना या उससे ऊपर भी आपको करना पड़ सकता है, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और इस वायरस को नेगेटिव किया जा सकता है। हर्पीस के पेशेंट्स को एक सजेशन और देना चाहूंगा, जब भी उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं तो ये मरीज जिनकी भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग जाते हैं, इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, संभवतः अपना दिमाग खराब इस बीमारी के कारण करते हैं, खुद से सेल्फ मेडिकेट करते हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, और बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर बीमारी पे वीडियोज होने के कारण विभिन्न डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, अपने लाखों हज़ारों रुपये एक एक महीने की दवाई में खर्च करते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स ने भी अप्रोच करा था जिनने लगभग 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपये में एक एक महीने की दवाई इसकी खाई थी और उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया था। तो मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इतनी महंगी दवाइयाँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के खाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप किसी अनुभवी अगर क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से जाकर परामर्श लेते हैं, एज पर योर सिम्टम्स अगर आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं तो इसकी जो मेडिसिन कॉस्ट करती हैं वो लगभग 100 से 130 रुपया पर डे की कॉस्ट करती हैं। आप जो लाखों रुपया इस बीमारी के कारण खर्च कर रहे हैं, महीने की दवाई 45,000, 70,000, 80,000 रुपये की आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर से जो ऐसे केसेस देखते हो उनसे अगर मिलकर इलाज लेंगे तो 100 से 130 रुपया, 150 रुपया अधिक से अधिक में इसका इलाज किया जा सकता है। इसका इलाज कम से कम आप 45 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको जब से मेडिसिन खाते खाते 45 डेज हो जाती हैं, मेडिसिन तो अपना पहले दिन से काम करना शुरू कर देती हैं, लेकिन 45 दिन से 90 दिनों के टाइम पीरियड में आप लोगों को खुद रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वाकई में दवाइयाँ कितना फ़ायदा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। रही बात परहेज की, तो बहुत से लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर बीमारी में परहेज क्या करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को यह सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको HSV हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की रिपोर्ट्स आपकी पॉजिटिव आ गई है, चाहे 1 हो या 2 हो, तो आप किसी भी तरीके से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। अगर आप किसी भी तरीके से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं या किसी को भी किस वगैरह करते हैं या किसी भी फॉर्म में आप अपना सलाइवा दूसरे लोगों के तक पहुंचा देते हैं, अपने कपड़े दूसरे लोगों तक पहुंचा देते हैं, अपने डेली यूज़ के सामान आप किसी दूसरे व्यक्ति को पहनने को देते हैं, तो इस कारण से आप इस बीमारी को फ्री में उस व्यक्ति को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। स्पेशली अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो इस बीमारी का इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है। आपको बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स मार्केट में मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स के मिलेंगे कि आप फलाना यूज़ कर लीजिए, आप ये पेटेंट मेडिसिन यूज़ कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। आपको इन सब चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। इन सब चीज़ों को यूज़ करके आपको फ़ायदा मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट लेना है तो आपको ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर को विजिट करना है जो ऑलरेडी ऐसे केसेस को देखते हों, जिनको एक्सपीरियंस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का ऑलरेडी जिनने ट्रीट करे हों, जिनको इस बीमारी के बारे में पूरा पता हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी का पता लगता है वो विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों को पहले कंसल्ट करता है और लगभग एक
6 से 8 महीने जब उसको हो जाता है तो तब जाके उसको कहीं जाके पता लगता है कि उसको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो रखा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसको फंगल इन्फेक्शन समझते हैं, इजिली डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप लोग खुद से इस बीमारी का इलाज करने के बजाय ना, ये आप लोग एक इतनी ईजी परेशानी नहीं है आप जितना ये समझ रहे हैं, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है भैया। अगर आप इसका प्रॉपर ढंग से इलाज नहीं लोगे तो आप बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट होने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस होने लग जाओगे, डे टू डे एक्टिविटीज़ तो आपकी अफेक्ट होंगी ही होंगी, साथ ही साथ आप इस बीमारी को इलाज अगर प्रॉपर ढंग से नहीं लोगे तो आगे चलकर बहुत दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से सजेस्ट करता हूँ कि वक्त रहते अभी भी आपके पास समय है, आप किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से इस लाइलाज बीमारी का इलाज के लिए ज़रूर उनसे मिलकर ट्रीटमेंट लेना शुरू कीजिए। क्या इसका परमानेंट इलाज है डॉक्टर साहब? जी देखिए, इसका परमानेंट इलाज है, लेकिन आपको इस परमानेंट इलाज करने के लिए आपको ना सिस्टमेटिक ढंग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर आप संभव तो आप ये बोलेंगे कि 5 दिन की दवाई दे दो, 7 दिन की दवाई दे दो, 10 दिन की दवाई दे दो, 5, 7, 10 दिन की दवाइयों में ये इलाज नहीं हो सकता। आपको कम से कम 9 महीने तक कंटिन्यूस इस बीमारी का इलाज कराना पड़ता है, तो तब जाके आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। संभवतः अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको ये दिक्कत परेशानी है तो आपको 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल तक का भी इसका इलाज कराना पड़ सकता है। अधिकतर केसेस में मैंने ये देखा है कि 90 दिनों के टाइम पीरियड में, 90 दिनों के इलाज में 45 दिन में मरीज को इसके लक्षणों में बहुत अच्छा आराम आने लग जाता है। जो आपकी मोर फ्रीक्वेंसी हो रही होती है, जो आपको बार बार ब्लिस्टर्स बन रहे होते हैं, उस ब्लिस्टर्स बनने की दिक्कत परेशानी को एब्सोल्युटली 45 दिन के टाइम पीरियड में ठीक किया जा सकता है। और जो आपको बार बार ये ब्लिस्टर बनने की प्रॉब्लम हो रही होती है, हफ्ते हफ्ते में जो आपको ब्लिस्टर्स बन रहे होते हैं, इसके टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, इसके टाइम पीरियड को एब्सोल्युटली कम किया जा सकता है। एक सजेशन और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के मरीजों को ये देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप शराब अत्यधिक पीते हैं, स्मोकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, नॉनवेज आप डेली यूज करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, कोई भी गर्म चीज़ें खाते हैं, लौंग, सौंठ, इलायची, गर्म मसाले, बाहर का खाना आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से आपको ये जो ब्लिस्टर आने की दिक्कत परेशानी हो रही है ना, ये बार बार बहुत जल्दी जल्दी आपको ये दिक्कत परेशानी होने लग जाएगी। इसके कारण इम्यूनिटी डिप्रेस होने लग जाती है, इम्यूनिटी कम होने लग जाती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी कम होने लग जाएगी तो आपको बार बार ये दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज ये वीडियो बनाया हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस पे, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द इसी चैनल पे एक और नए इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।